हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज अभी खबर निकल के आ रही है कि 4 नए मामले निकल के आए हैं 2 जिलों से। कौन से हैं वो जिले और कौन कैसे कैसे केस हैं जानेंगे इस वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करें। हिमाचल में 4 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं और ये चंबा जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं जिसमें गुरुग्राम से लौटा केहल बाकन का रहने वाला है जो 23 साल का युवक होम क्वारंटाइन था जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली से लौटा सलोनी का रहने वाला 23 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं सोलन जिला के बद्दी और नालागढ़ के 2 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इन दोनों के सैंपल अस्पताल में लिए गए थे और ये दोनों ही क्वारंटाइन नहीं थे। इनमें एक ट्रक चालक है जबकि दूसरा अपने ही घर में ही था। जिला में कुल एक्टिव मामले 15 हो गए हैं जबकि अब तक 22 लोग इस बीमारी को मात दे चुके हैं। मामलों की पुष्टि जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने की है और अब प्रदेश में 458 संक्रमित मामले हो गए हैं और 185 एक्टिव केस। वहीं बीते कल बुधवार को ऊना से बड़ी खबर निकल के आई। ऊना जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को जिला में 3 नए मामले सामने आए जबकि एक फॉलोअप रिपोर्ट का मामला है। कोरोना के 3 मामले बाथू, बाथड़ी और चुड़ू गांव से संबंधित हैं। इनमें से 2 होम क्वारंटाइन थे जबकि 1 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया था। कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में हरोली के बाथड़ी का 30 वर्षीय व्यक्ति दिल्ली से आया था और होम क्वारंटाइन था। बाथू का 21 वर्षीय युवक असम से आया था और होम क्वारंटाइन में था। तीसरा मामला उपमंडल अंब का चिरूड़ू का 45 वर्षीय व्यक्ति 4 जून को दिल्ली से आया था और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में था। इसके अलावा बंगाना क्षेत्र में 1 व्यक्ति की फॉलोअप रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इन मामलों के साथ जिला में कोरोना के कुल मामले 49 हो गए हैं। वहीं आने वाली जो भी अपडेट होगी वो हम आपको बताएंगे। लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।